अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, आवर टॉपिक वॉज, लास्ट टॉपिक वॉज योर बॉडी एंड बोन्स। नाउ टूडेज टॉपिक इज मसल्स। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन योर बॉडी। सम ऑफ द मसल्स हेल्प योर बॉडी टू मूव, अदर हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, कीप द ब्लड फ्लोइंग एंड द लंग्स वर्किंग। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 600 से अबव जो है वो मसल्स पाए जाते हैं, लाइक गोश या पट्ठे जिन्हें हम कहते हैं। सम ऑफ द मसल्स हेल्प योर बॉडी टू मूव, यानी कुछ जो मसल्स है, कुछ जो बॉडी के लाइक गोश्त है या उसे पट्ठे जिसे कहते हैं हम, वो आपकी बॉडी को हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और कुछ मसल्स ऐसे हैं जो कि आपका फूड डाइजेस्ट करते हैं, यानी आपका जो आप खाना खाते हो वो हज़म करते हैं। और कुछ जो है वो, कुछ मसल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड के फ्लो को इजी बनाते हैं, ब्लड फ्लो करते हैं। और कुछ जो है मसल्स वो क्या करते हैं कि लंग्स, यानी आपके जो फेफड़े हैं उनको प्रॉपर वर्क करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। मसल्स आर मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यूज़। मसल्स जो हैं वो किस तरीके से बने हैं, लाइक बहुत ज़्यादा लाइक सख्त और लाइक स्ट्रेचेबल टिश्यूज से जो है वो बने हैं, यानी वो इजीली जो है वो स्ट्रेच भी हो सकते हैं, खिंच भी सकते हैं, और एक जगह वापस जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी, यानी ठोस फॉर्म में भी एक जगह जो है वो मूव हो सकते हैं। मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विच मीन्स दैट दे कैन बिकम शॉर्टर, दिस कॉज मूवमेंट। लाइक आपके जो मसल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, यानी एक दूसरे के साथ मिल के जो है वो मूवमेंट करते हैं। तमाम जो टिश्यूज़ हैं, लाइक वही टिश्यू जो है वो ज़रूरत पड़ने पे हार्ड भी हो जाते हैं, और वही टिश्यूज़ जो है वो जब उनको मूव करना होता है तो वही टिश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाते हैं, स्ट्रेच भी होते हैं और टफ भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जो मसल्स हैं वो क्या करें, लाइक अगर वो शॉर्ट हो रहे हैं, लाइक जब वो स्ट्रेच हो रहे हैं, खिंच जाते हैं, तो वो वही चीज़ जस्ट लाइक रबर बैंड की तरह, कि आप देखते हैं रबर बैंड क्या है, वो बहुत छोटी सी स्मॉल सी होती है कि आपकी एक उंगली के अंदर वो आराम से आ जाए, लेकिन अगर आप उसको दोनों हाथों से पकड़ के खींचेंगे तो वो एक स्केल या एक पेंसिल के जितना जो है वो खिंच जाता है। तो आपके मसल्स भी इसी टाइप के जो है वो होते हैं कि वो ज़रूरत पड़ने पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल, स्ट्रेच भी हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, और उसके बाद वापस अपनी जगह पे भी आ जाते हैं। तो हमारे मसल इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हम मूव कर सकें। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लंग्स। एज यू ब्रीथ योर चेस्ट मूव इन एंड आउट। जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो चेस्ट है वो इन आउट मूव करता है। इन साइड द चेस्ट देयर आर टू स्पंज लाइक ऑर्गन ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट। यानी आपके इनसाइड चेस्ट, यानी आपके सीन जो चेस्ट है उसके अंदर हार्ट की साइड पे जो है, हार्ट के साइड पे टू स्पंज टाइप ऑर्गन्स हैं, यानी आपके जिस्म का वो आज हैं जो एक स्पंज की तरह है, स्पंज लाइक फोम टाइप के जो है वो कह लें आप, फोम टाइप के लाइक इस है, दे आर कॉल्ड लंग्स। उनको हम क्या कहते हैं, लंग्स, यानी फेफड़े। द लंग्स टेक इन आउट गैस फ्रॉम द एयर फॉर ऑक्सीजन। जो लंग्स हैं वो हवा के अंदर से उस गैस को ऑब्जर्व करते हैं जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। दिस ऑक्सीजन इज ऑब्जॉर्व इन टू द ब्लड स्ट्रीम व्हेन यू ब्रीथ इन, योर लंग्स फिल विथ एयर एंड बिकम लार्जर। जब ऑक्सीजन आपके जो लंग्स हैं जब वो उसको ऑब्जॉर्व करते हैं तो क्या होता है कि लंग्स में जब एयर फुल हो जाती है, एयर भर जाती है, तो वो बड़े हो जाते हैं। When you breathe out, जब आप दोबारा सांस जो है वो अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, your lungs become smaller as air is squeezed out of them. यानी जब आप सांस लेते हैं तो आपके जो lungs हैं, जो फेफड़े हैं, वो बड़े हो जाते हैं, और जैसे ही आप सांस अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं तो वापस स्क्यूज होता है, यानी उनके अंदर से जो है वो हवा निकल जाती है और वापस वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। थैंक यू।